हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग इंग्लिश के सिलेबस का टॉपिक 7 डिस्कस करेंगे, जो कि है इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल। यानी इसमें हम मेनली अगर हम एक शॉर्ट टर्म में देखें तो इसमें हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे कि जो भी हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं उसका हम कैसे मूल्यांकन करते हैं, कैसे उसका आकलन करते हैं कि बच्चों ने सीखा है कि नहीं। तो हम इसमें चारों स्किल्स जो हमने सिखाई हैं उनका और ओवरऑल जितनी भी हमने स्टडी कराई है उन सबका हम आकलन करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ फॉर इंग्लिश, साथ साथ हम एवोल्यूशन क्यों करते हैं, एवोल्यूशन की ज़रूरत क्या है, है ना। इवोल्यूशन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग, वी कैन नॉट सेपरेट टीचिंग एंड इवेल्यूटिंग और टेस्टिंग। देखिए, इवोल्यूशन जो है, मूल्यांकन जो है, आप साधारण भाषा में कह सकते हैं टेस्ट करना बच्चों को, चेक करना उनकी नॉलेज को, ये किसी भी टीचिंग प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जब तक हम बच्चे का आकलन नहीं करेंगे, उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो सिखाया है वो बच्चे ने सीखा है कि नहीं, या हमने जो समझाया वो बच्चे को समझ में आया है कि नहीं। तो हम मूल्यांकन को स्टडी से, पढ़ाई से अलग कर ही नहीं सकते हैं। टेस्ट एंड एग्जामिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश। इवेल्यूशन हेल्प द टीचर टू नो वेदर द टीचिंग मैथोडोलॉजी अडॉप्टेड वॉज सक्सेसफुल और नॉट। देखिए, इसकी वैल्यू जो है, इवेल्यूशन बच्चे के लिए भी अच्छा है, साथ साथ टीचर के लिए भी अच्छा है। क्योंकि बच्चे को भी ये नॉलेज हो जाती है कि उसने जो कुछ भी पढ़ा उसमें उसने कितना सीखा, कितना उसको समझ में आया कि नहीं। साथ साथ टीचर को भी ये नॉलेज हो जाती है कि उसने जो भी मैथड्स या अप्रोचेस यूज़ किए थे वो कितने सक्सेसफुल रहे हैं, यानी वो सक्सेसफुल हैं कि नहीं। अगर बच्चे को समझ में आया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने अच्छा एग्ज़ाम दिया, अच्छे नंबर आए, तो आप समझेंगे कि हाँ, मेरा जो मेथड था वो इफ़ेक्टिव था। और अगर नहीं बच्चे ने पास किया ज़्यादा एग्ज़ाम, ज़्यादा बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए, तो आपको पता चलेगा कि मुझे दूसरे मेथड को यूज़ करना है। तो ये दोनों के लिए ही अच्छा होता है इवैल्यूएशन, टीचर के लिए भी और बच्चों के लिए भी। इवोल्यूशन ऑल्सो हेल्प द स्टूडेंट टू डिटरमाइन विच एरिया ऑफ लर्निंग रिक्वायर मोर अटेंशन। साथ साथ क्या है कि ये बच्चों को बताता है कि उसको जो भी वो पढ़ रहा है इंग्लिश में, उसके किस पार्ट में, किस एरिया में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। अ प्लान प्रोग्राम ऑफ एवोल्यूशन इज असेंशियल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ टीचिंग और इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। दूसरी बात है कि हम जब इवोल्यूशन कर रहे हैं, बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसके लिए एक प्लान प्रोग्राम बनाना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि बस मेरे मन में आया कि हाँ, बच्चों को मैं चेक करती हूँ और बच्चों से बोल दिया बच्चों टेस्ट दो। ऐसा नहीं ना, बच्चों को याद ही नहीं, बच्चों ने कुछ रिविज़न ही नहीं किया, कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो एक प्लान प्रोग्राम बनाया जाता है, उसके थ्रू हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं। फिर है स्टेप्स ऑफ इवेल्यूशन, यानी इवेल्यूशन करते समय हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। दे आर एज फॉलोज। सबसे पहला होता है डिटरमाइन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम इवेल्यूशन करने जा रहे हैं, बच्चों का मूल्यांकन करने जा रहे हैं, तो कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ को हम चेक करेंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव्स हम, वो एम्स डिसाइड करते हैं। सेकेंड है ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस, फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं सारे एक्सपीरियंसेस को कि बच्चे को हमने कैसे सिखाया, क्या किया, सारी चीज़ें जो बीच बीच में हमने टेस्ट लिए उन सारी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। थर्ड है मेज़र बिहेवियरल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस को मेज़र करते हैं, बच्चे में क्या क्या बिहेवियर में चेंजेस आए। हो सकता है कोई बच्चा वीक था, वो धीरे धीरे थोड़ा अच्छा हो गया, एवरेज हो गया, साथ में एक्टिव हो गया। कुछ बच्चे होते क्लास में डल हैं, लेकिन अगर आप उनको अच्छे से पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि वो भी एक्टिव होंगे, क्वेश्चन के आंसर करने लगेंगे, है ना। तो उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आया, इसको देखते हैं। और लास्ट में हम करते हैं एक टेस्ट को परफॉर्म, और उस परफॉर्मेंस से हमें लास्ट रिजल्ट मिलता है, पता चलता है कि बच्चे की जो अचीवमेंट है वो कितनी है, बच्चे ने कितनी नॉलेज को गेन किया है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं हमारे इवेल्यूएशन में। फिर देखिए इवेल्यूएशन, असेसमेंट एंड मेजरमेंट, बहुत सारे बच्चे इन तीनों चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं, तो आज उनकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। देखिए, सबसे बड़ा पार्ट जो है वो है हमारा इवेल्यूएशन, मूल्यांकन, और मूल्यांकन के अंदर ही असेसमेंट
और मेज़रमेंट आता है, नहीं इवेल्यूशन के अंदर ही असेसमेंट और मेज़रमेंट आता है, ये सबसे छोटा पार्ट है मेज़रमेंट, फिर है असेसमेंट और सबसे बड़ा है हमारा इवेल्यूशन। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो उनके द्वारा हम बच्चों की नॉलेज को परखते हैं, ठीक है। असेसमेंट हैज़ अ नैरो मीनिंग देन इवेल्यूशन बट अ ब्रॉडर मीनिंग देन मेज़रमेंट। अब देखिए असेसमेंट जो है वो क्या है, मेज़रमेंट से बड़ा है लेकिन इवेल्यूशन से छोटा है। इवेल्यूशन इन्वॉल्व असेसमेंट एंड मेज़रमेंट, इट इज़ अ क्वाइट कॉम्प्रीहेंसिव। इवेल्यूशन कैसा है, इवेल्यूशन व्यापक है, काफ़ी बड़ा है, ब्रॉड है। इसमें क्या है कि इसमें असेसमेंट और मेज़रमेंट दोनों चीज़ें आती हैं। हम ये इतनी बड़ी प्रोसेस है कि हम इसको एक बार में पूरा नहीं कर सकते, तो हम असेसमेंट और मेज़रमेंट के द्वारा उन लोगों उनकी हेल्प लेते हुए किसी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का अर्थ जो होता है हिंदी में अगर हम देखें तो मूल्य अंकन, ठीक है, किसी भी बच्चे का मूल्य निर्धारण करना, मूल्य को अंक दे देना कि अच्छा इस बच्चे के 98% आए हैं यानी कि ये बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, इस बच्चे के 58% आए हैं, 55% ये एवरेज है, या इसके 35% आए हैं तो ये बिलो एवरेज है। तो हमने एक अंक दे दिया है और उससे हमने बता दिया कि ये बच्चा किस कैटेगरी का है, तो वो लास्ट स्टेप होता है आपका। लास्ट में आपने देखा ना, आपका पूरा जब आप कोई क्लास करते हो तो लास्ट में आपको परसेंटेज दिया जाता है, तो वो क्या होता है, वो इवेल्यूएशन होता है। उसके बीच बीच में जो छोटे छोटे टेस्ट होते रहते हैं वो सब असेसमेंट होते हैं। मेजरमेंट होता है कि हम देखते रहते हैं कि बच्चा कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो चीज़ों को समझ रहा है कि नहीं, क्लास में बोल रहा है कि नहीं, वो और छोटी इकाइयाँ होती हैं मेजरमेंट। तो ये सबसे छोटी इकाई है, ये उससे बड़ी इकाई है, और इवेल्यूएशन सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी यूनिट है। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट इन इंग्लिश। अब देखिए इवेल्यूएशन के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो अब एक टेस्ट है उसको हम कैसे कहेंगे ये अच्छा टेस्ट है, और ये बच्चों के लिए हम जो ले रहे हैं उन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है, उन सारी बातों को ध्यान रखा गया है। तो एक अच्छे टेस्ट के क्या क्या गुण होते हैं वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आप एक बनने वाले टीचर हैं तो आपको टेस्ट कंडक्ट करना होगा, टेस्ट बनाना होगा, टेस्ट पेपर बनाना होगा, तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे जब आप टेस्ट लेंगे बच्चे का, इवेल्यूशन करेंगे बच्चे का। तो कौन कौन से गुण हैं एक अच्छे टेस्ट के, उनको डिस्कस करते हैं। अ गुड टेस्ट इन इंग्लिश शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी एक अच्छा टेस्ट जो होता है उसमें ये सारे गुण होने चाहिए। पहला है अ गुड टेस्ट इन इंग्लिश शुड मेजर द अटेंडमेंट ऑफ स्टूडेंट इन फोर लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी हम इंग्लिश का जब टेस्ट पेपर बना रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे की जो चार स्किल हमने बच्चों को सिखाई हैं वो चारों स्किल का हम पता लगा सके उस टेस्ट के द्वारा कि उन चारों स्किल्स को बच्चों ने सीखा है कि नहीं। सेकंड है देयर शुड बी अ वैरायटी ऑफ टेस्ट आइटम्स बट वन आइटम शुड टेस्ट ओनली वन स्किल। यानी हम बहुत सारे अलग अलग तरीके कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से टेस्ट ले सकते हैं, हम असाइनमेंट दे सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हैं, यूनिट टेस्ट ले सकते हैं, है ना, ओरल टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन जब हम एक टेस्ट ले रहे हैं तो उस टेस्ट का मकसद एक स्किल को चेक करना ही होना चाहिए। जैसे कि अगर हम ओरल टेस्ट ले रहे हैं तो हमारा उस समय मकसद है स्पीकिंग स्किल को चेक करना, हम यूनिट टेस्ट दे रहे हैं तो हमारा मकसद होना चाहिए रिटन स्किल को चेक करना, है ना। तो एक टेस्ट का मकसद एक स्किल को चेक करना होना चाहिए। द टेस्ट शुड बी केयरफुली डिजाइन, द एग्जामिनर शुड बी क्वाइट क्लियर इन हिज माइंड अबाउट व्हाट स्किल अ पर्टिकुलर टेस्ट आइटम एम एट। यानी हम जब डिज़ाइन कर रहे हैं किसी टेस्ट को तो हमें बहुत केयरफुली डिज़ाइन करना है, और हमारे माइंड में ये चीज़ सेट होनी चाहिए एग्जामिनर के माइंड में कि उसे क्या चेक करना है, कौन सी स्किल को चेक करना है, किस क्वालिटी को, किस नॉलेज को चेक करना है, उसके हिसाब से ही वो टेस्ट को डिज़ाइन करे। ऐसा ना हो कि उसे चेक कुछ और करना था और उसने क्वेश्चन किसी और चीज़ के बारे में डाल दिए, तो ये बिल्कुल गलत होगा। थर्ड है द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी क्वाइट क्लियर, इट शुड नॉट बी एम्बिशियस एट ऑल।
यानी जो हमने टेस्ट दिया है, पेपर बनाया, उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो उनकी जो लैंग्वेज वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए कि हम क्वेश्चन के थ्रू बच्चे से क्या पूछ रहे हैं। उसकी जो भाषा है वो बिल्कुल भी अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए कि बच्चा समझ ही नहीं पाए कि टीचर इस क्वेश्चन के थ्रू हम उससे पूछना क्या चाह रहा है। फोर्थ है, इन केस ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चंस द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द आंसर टू बी गिवन शुड बी क्लियरली स्टेटेड। यानी अगर हम कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन ले रहे हैं यानी जिसमें बच्चे को काफ़ी लंबा लिखना है, एक दो पेजेस का आंसर लिखना है, तो इस बात का हम वहाँ पे मेंशन कर दें कि आपका जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर कितने शब्दों का होना चाहिए, कितने पेजेस का होना चाहिए, ये क्लियरली हमें बताना है ताकि बच्चे का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और वो पर्टिकुलर वर्ड्स में आंसर को दे सके। फिफ्थ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस शुड बी सेट, दे शुड टेस्ट द रियल नॉलेज एंड एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी टेस्ट पेपर बनाते समय इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी रखना है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमें रियल नॉलेज का बताते हैं कि बच्चे को कि जो रियल नॉलेज है वो कितनी है। क्योंकि आपने देखा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी की डीप नॉलेज है, किसी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कर पाएं। वरना थ्योरी तो आप अपने मन से लिख ही देंगे, थोड़ा बहुत तो अपने मन से आप बढ़ा चढ़ा के कुछ भी लिख देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी रियल नॉलेज को चेक करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होना बहुत ज़रूरी है एक गुड टेस्ट पेपर में। सिक्स्थ है, अ गुड टेस्ट ऑफ इंग्लिश शुड कवर एज मैनी एरियाज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एज पॉसिबल। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमने पढ़ाया है सब्जेक्ट, उसके ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को कवर कर सके। हर यूनिट में से क्वेश्चन हो, हर कॉन्सेप्ट में से एक क्वेश्चन हो, इस तरह से हमें टेस्ट को बनाना है, इस तरह से हमें टेस्ट को डिज़ाइन करना है। ड्यू टू एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ द टेक्स्ट बुक ग्रामर वोकैबलरी एंड कॉम्पोजिशन। देखिए हमें क्या करना है, हमें वोकैबलरी, कॉम्पोजिशन, ग्रामर, सारी चीज़ों की टेस्टिंग करनी है, सारे नॉलेज पर जोर देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ कुछ पर्टिकुलर हिस्सों पे जोर दिया, उन्हीं से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रख दिए। नहीं, हमें हर हिस्से से रिलेटेड क्वेश्चन रखना है, क्योंकि हर हिस्से की जानकारी प्राप्त करनी है हमें कि बच्चे ने हर इस चीज़ को सीखा है कि नहीं है। सेवन्थ है, इट शुड टेस्ट ओनली व्हाट हैज़ बीन टॉट एंड नॉट व्हाट हैज़ नॉट बी टॉट। यानी टेस्ट कैसा होना चाहिए कि जो सिर्फ इस चीज़ को चेक करे जो हमने सिखाई है, नॉट व्हाट हैज़ नॉट बी टॉट, ना कि जो हमने नहीं सिखाया हमने उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन पेपर में आप लोग बोलते हो कि आउट ऑफ सिलेबस आया है क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस आया है क्वेश्चन, क्योंकि वो चीज़ आपको पढ़ाई नहीं गई होती है और उसमें आपसे पूछ लिया गया होता है पेपर में। तो एग्ज़ाम पेपर बनाते समय इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि टेस्ट में हम वही क्वेश्चन, वही चीज़ें पूछें जो हमने सिखाई हैं। एट थे, द टेस्ट इंस्ट्रक्शंस शुड बी ब्रीफ, क्लियर एंड इवन इन नेचर। यानी जो हम टेस्ट में इंस्ट्रक्शन, आपने देखा शुरुआत में इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि आपको दो नंबर का क्वेश्चन इतने शब्दों का लिखना है, चार नंबर के क्वेश्चन को इतने शब्दों में, इसमें से कोई एक क्वेश्चन करना है, ऑप्शनल है, ये सारे जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं वो काफ़ी क्लियर होने चाहिए, ब्रीफ यानी होने चाहिए और इवन होने चाहिए ताकि बच्चों को आराम से समझ में आए, और छोटे से थोड़े चार पांच पॉइंट्स में होना चाहिए, यानी कि आधा टाइम बच्चों को वो पढ़ने में ही निकल गया। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है टेस्ट पेपर बनाते समय। नाइन्थ है, द स्टूडेंट शुड बी एबल टू गिव आंसर टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद इन द टाइम लिमिट। देखिए अब क्या है कि हमें पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जो कि हमने टाइम लिमिट बच्चे को दिया। अगर हमने दिया कि थ्री आवर्स का उसका पेपर है, तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन रखना है जो कि उस टाइम लिमिट पे बच्चा कर सके। द टेस्ट शुड बी सच दैट इट कैन बी डन बाई एन एवरेज स्टूडेंट इन अलाउटेड टाइम। यानी ऐसा ना हो कि, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि हर तरह का बच्चा, चाहे वो एवरेज है, बिलो एवरेज है या ब्राइट स्टूडेंट है, हर तरह का बच्चा उस टाइम लिमिट में उन क्वेश्चंस को कर सके, है ना। हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चंस को पेपर में सेट करना है। टेंथ, अ गुड टेस्ट इन इंग्लिश शुड बी नीदर टू डिफ़िकल्ट
नॉट टू ईजी, यानी ना ही तो पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाना है हमें और ना ही बहुत ज़्यादा ईजी बनाना है। इट शुड बी इक्वली एप्लीकेबल टू वीक, एवरेज एंड ब्राइट स्टूडेंट, यानी ऐसा बनाना है जो कि सबके लिए, सबके हिसाब से एप्लीकेबल हो, चाहे वो वीक स्टूडेंट हो, चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो ब्राइट स्टूडेंट हो। इट शुड हैव ईजी, एवरेज एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, यानी उसमें तीनों तरह के क्वेश्चन होने चाहिए, ईजी क्वेश्चन भी, एवरेज क्वेश्चंस भी और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी। फिर है हमारा अ गुड इंग्लिश टेस्ट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ। अब देखिए, एक अच्छा इंग्लिश टेस्ट आप इसको बोलेंगे जिसमें कौन से क्वेश्चन होते हैं, उसमें तीन तरह के क्वेश्चन आपको शामिल करने हैं। एक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एक है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और एक है एसे टाइप क्वेश्चन, इनको लॉन्ग क्वेश्चंस भी कहा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन होने चाहिए, साथ में इनका क्या रेशियो होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने चाहिए 25%, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने चाहिए 25% और एसे टाइप क्वेश्चन होने चाहिए 50%। तो ये रेशियो होना चाहिए एक अच्छे इंग्लिश टेस्ट में। तो ये थे हमारे एक गुड इंग्लिश टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, CCE, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट आपको समझना। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन क्या होता है, देखिए मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको जो इवोल्यूशन टॉपिक है इसको मैं 2-3 वीडियो में कंप्लीट करूँगी ताकि आपके मन में खिचड़ी ना पक जाए। कुछ जो टॉपिक आप अच्छे से सुन लें, एक बार में सुने, एक बार में पढ़ें और आपको समझ में आ जाए और याद हो जाए। तो मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। आज के वीडियो में इतना ही कि इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन में क्या स्टेप्स हैं और एक अच्छे टेस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।